नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। अब सिर्फ फैसला बाकी है। बीते 9 सालों में अजमेर दरगाह ब्लास्ट को लेकर सब कुछ हुआ है। गवाही हुई, गवाह तोड़े गए, चार्जशीट पेश हुई, जमानत हुई, गवाह मुकरे भी और लोगों ने सवाल भी उठवाए, जांच पर भी सवाल उठे, लेकिन अब फैसले की बारी है और 25 फरवरी को जयपुर एटीएस कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। और फैसले में क्या होगा ये तो 25 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एक सवाल सभी के जहन में है, क्या इंसाफ होगा? ज़ियारत का वक्त था, लोग दरगाह में इबादत के लिए आए थे, रोजा इफ्तार की तैयारी थी और ख्वाजा की दरगाह में हजारों जायरीनों की भीड़ थी। सब उस खौफ से बेखबर थे जो उन्हें अंदर तक झकझोर देने वाला था। और उसके बाद अजमेर एक खौफनाक हादसे का गवाह बना और ऐसा हादसा जिसकी चुभन आज तक जारी है और 25 फरवरी की तारीख उस चुभन में इजाफा करेगी या कमी लाएगी ये अदालत का फैसला तय करेगा। 11 अक्टूबर 2007 अचानक ज़ियारत चीखों में तब्दील हो गई। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में माहौल मातम में बदल गया। एक ही गिरा मुंह में सटा था डॉग, तो आए गए तक से ऊपर गोली वाले का आए और ये अचानक क्या हुआ मुझे ही नहीं पता। पधावासी छा गई, लोग चीखने चिल्लाने लगे, हजारों जायरीनों की भीड़ में भगदड़ मच गई थी। लोग सिर्फ अपनी जिंदगी की सलामती के लिए भाग रहे थे, कुछ बचे और कुछ जख्मी हो गए। 3 लोगों की मौत हुई, 1.5 दर्जन लोग घायल हुए। 11 अक्टूबर 2007, जी हां, इस तारीख को ख्वाजा के शहर अजमेर में ऐसा ही कुछ मंजर था। 9 बरस पहले की वो तारीख जब शाम के वक्त तोप चलने पर जायरीन रोजा इफ्तार के लिए दरगाह में पहुंचे थे। इबादत का वक्त था, लेकिन तभी अचानक दरगाह में मजार शरीफ के पास इस पेड़ के पास जोरदार धमाका हुआ। धमाके ने दरगाह में मौजूद जायरीनों को हिलाकर रख दिया। लोग कुछ समझ पाते तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, 17 लोग जख्मी हो चुके थे। 2007 के सदमे से अजमेर को उबरने में काफी वक्त लगा, लेकिन वक्त ने दरगाह में रौनक लौटाई और जायरीनों के लिए हमेशा की तरह ये दरगाह इबादतगाह आज भी है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह अजमेर में आने वाले हर जायरीन का पहला ठिकाना रही है। सूफी संत ईरान में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें राजस्थान के अजमेर में दफनाया गया और इसलिए ये दरगाह दुनिया भर के जायरीनों के लिए इबादत गाह मानी जाती है। गरीब नवाज सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहते हैं कि 11वीं सदी में गरीब नवाज भारत आए थे और यहीं के हो गए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये दरगाह हर धर्म के लिए पावन रही है, लेकिन 2007 की वो तारीख दरगाह में दहशत का पैगाम लेकर आई थी। अब एक बार फिर उस तारीख का जिक्र इसलिए क्योंकि अदालत 25 फरवरी को 2007 के धमाकों पर अपना फैसला सुनाने वाली है। जयपुर की एटीएस कोर्ट 25 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी और इसी मामले में अदालत ने लंबित जांच के लिए एनआईए से जवाब भी मांगा है और इसलिए अजमेर में 2007 फिर से जिंदा हो गया है। अजमेर की दरगाह पर हुआ हमला शुरू से ही उलझा रहा क्योंकि इस हमले से जुड़ा हुआ था हिंदू आतंकवाद।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनआईए मामलों की विशेष अदालत में पहले एटीएस की ओर से, फिर एनआईए की ओर से जिन्हें दोषी बनाया और चार्जशीट पेश की, उनमें से ज्यादातर लोग संघ से जुड़े थे। चार्जशीट में एनआईए ने इस मामले में स्वामी असीमानंद समेत 7 को आरोपी बनाया। 8 की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन एक आरोपी की चालान के दौरान मौत हो गई। सीबीआई के विशेष न्यायालय संख्या 1 में अजमेर दरगाह ब्लास्ट मुकदमे की सुनवाई हुई और न्यायाधीश ने एनआईए के डीजीपी को इसी मामले की बकाया जांच और एक आरोपी के बकाया चालान के बारे में स्थिति साफ करने के आदेश दिए। एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में 132 गवाह दिखाए। अदालत में सिर्फ 110 गवाहों के बयान ही करा पाई एनआईए। पिछले 12 महीनों में एनआईए के 24 गवाह बयान से पलटे। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर दरगाह के अंदर हुए ब्लास्ट को लेकर अब सबकी नजरें कोर्ट के ऊपर टिक चुकी है और 25 फरवरी का दिन तय किया गया है जिस दिन इस पूरे मामले पर फैसला आने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जीएस राणा साहब, एडवोकेट साहब। वकील साहब, फैसला आने वाला है? मुकदमे में बहस पूरी हो गई है। 25 फरवरी को फैसला दिया जाना निश्चित किया गया है। इस मुकदमे में 9 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिसमें एक चंद्रशेखर जमानत पर है, बाकी 8 अभियुक्त जो हैं जयपुर जेल में बंद हैं। यदि वकील साहब, इस पूरे मामले पे यदि अपन नज़र डालते हैं 2007 के दिन, क्या रहा था उस दिन, किस तरह से जो अभियोजन की कहानी है, उन दिनों रोज़े के दिन, रमजान के दिन चल रहे थे। रोज़ा अफ्तार से पहले दरगाह में एक बम विस्फोट हुआ और दूसरे दिन एक बिना फटा हुआ बम मिला। बाद में जांच करने के बाद अभियोजन ने इन लोगों को अभियुक्त बनाते हुए इस केस में प्रस्तुत किया है। अभियोजन द्वारा 149 गवाहों को परीक्षित कराया गया है और करीब 451 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया है और अब न्यायालय के परिव्यू में, न्यायालय की क्षेत्राधिकार में है कि वो इस पर जो भी विधि सम्मत निर्णय है वो पारित करें। वकील साहब, 10 साल ये लंबा केस चला है, पहले अजमेर में चला है, अब फिर जयपुर में, पहले एटीएस जांच कर रही थी, फिर एएनआई जांच कर रही है। हाँ, इस केस में शुरू में दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद में शंकर लाल जी ओझा ने जाँच की, फिर सीबीआई सीआईडी सीबी को जाँच दी गई, उसके बाद एटीएस राजस्थान ने इसकी तफ्तीश की। एटीएस राजस्थान ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया और एक चार्जशीट पेश की। उसके बाद में केंद्र सरकार ने इसकी जांच एनआईए को दे दी। एनआईए द्वारा 3 और चार्जशीटें पेश की गई और अंतिम चार्जशीट एनआईए द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपने यदि हमारी बात करते हैं तो कोर्ट के अंदर क्या पक्ष रखे गए हैं इसको लेकर? कोर्ट में बहुत कमजोर सी साक्ष्य अभियोजन प्रस्तुत कर सका है, क्योंकि उनके पास में किसी तरह की स्पष्ट साक्ष्य अभियुक्तगण को इस मामले में लिप्त करने की नहीं थी। और डिफेंस का ये कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस मुकदमे में इनको झूठा फंसाया गया है और बाकी जो भी है वो न्यायालय निर्णय करेगा, हम उसका सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं 25 फरवरी का दिन एक अहम दिन होगा जब पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी है। अब देखना है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत, हर्षद सोलंकी, मुकेश, ये तमाम वो नाम है जिन्हें अजमेर ब्लास्ट के लिए राजस्थान एटीएस ने गिरफ्तार किया था। और दिलचस्प ये है कि इन सब का केंद्र गुजरात रहा। असीमानंद तो गुजरात के दांग में शबरी आश्रम से अपनी गतिविधियां चलाते ही थे। चूंकि इस मामले में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द शामिल रहा, लिहाजा इसकी जांच हमेशा सवालों के घेरे में रही। गवाहों ने एनआईए कोर्ट में आरोप लगाया कि उन्होंने पुराना बयान एटीएस के दबाव या डर में दिया था। आपको कुछ गवाहों के बयान भी दिखा देते हैं जो ये बात साबित करेंगे कि कैसे इस मामले में अभी भी पेचोखम है। अजमेर से संजय गर्ग, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो गवाहों के बयान आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।